ये सब्जी खाकर आप कभी गट्टे की सब्जी नहीं मांगोगे। आज हमारे किचन में आए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनके हाथ का खाना आपको दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। मम्मी जी, वेलकम टू आशिमास किचन। तो मम्मी जी, आज आप हमें क्या बना के खिलाने वाले हो? आज भेड़ की सब्जी बना खिला रही हूँ। वाओ, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बनाते हैं माँ के हाथों की सेल की सब्जी। सेल की सब्जी के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप बेसन। इसको हमने एक बड़े बाउल में डाल लिया। अगर आपको सब्जी थोड़ी ज्यादा बनानी है तो बेसन की क्वांटिटी बढ़ा लें। अब बेसन में डाल रहे हैं नमक। मैं यहाँ 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। उसके बाद 1 छोटा चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। और उसके बाद 1 छोटा चम्मच अजवाइन। आखिर में इसके ऊपर डाल रहे हैं 3 से 4 चम्मच तेल। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसको हम हाथों से मिला लेंगे। मम्मी जी, एक बात बताना, हम इसमें मोइन क्यों डालते हैं? ये मोइन डालने ते हैं, नरम मन जे है और ये थोड़ी फूल जे है। अब हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और आप देखेंगे कि ये भुरभुरा सा हो गया है, आपस में जुड़ रहा है। हमें मोइन की यही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और बेसन को गूंद लेंगे, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा गुनगुना लेना है, ना ठंडा ना गर्म। और पानी धीरे धीरे डालें, तभी बेसन अच्छे से गुन पाएगा और ज्यादा पतला नहीं होगा। बेसन हमारा बहुत अच्छे से गुन गया है। मम्मी जी, एक बात बताना, हथेलियों पे तेल लगाने से क्या होता है? अथंग तेल लगाने से यो अथंग चपकता नहीं और सेल अच्छी मन जाए। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हमारी हथेलियों पे हमारा बेसन वाला आटा ना चिपके। अब हम इस अपने आटे को हथेलियों के बीच में लेंगे और इसको लंबा लंबा हथेलियों के बीच में दबाएंगे और उसके बाद इसकी छोटी छोटी रफ बॉल्स काट लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी आटे की छोटी छोटी बॉल्स काट के उसी बाउल में डाल लेंगे जिस बाउल में के अंदर हमने अपना आटा गूंदा था। बॉल्स हमारी सारी बन चुकी हैं। अब हम एक बॉल को उठाएंगे और उसी तरीके से अपनी हथेली के बीच में फिर से दबाएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे लेंथ वाइज। इसको हम तब तक स्ट्रेच करते रहेंगे जब तक नीचे से ये बहुत ही बारीक और पतला हो जाएगा। और यही तरीका है हमारी सेल तोड़ने का। इस तरीके से हम अपने सभी आटे की एक एक करके अपनी उंगलियों से सेल को तोड़ लेंगे। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि सेल आपको घर पे ना बनानी पड़े या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको सबसे थोड़ी जल्दी बनानी है, तो ये सेल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती है। आप इसको मार्केट से भी खरीद सकते हो। पर क्योंकि ये तरीका हमने आपको बता दिया है सेल बनाने का, तो आप इसको आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आटा गूंदना है और हाथों से इसको तोड़ना है। ये देखो, देखते ही देखते हमारी एक बॉल की सेल टूट चुकी है। और अब हम इसको फैन के नीचे रखेंगे 10 मिनट के लिए। मम्मी जी, एक और चीज बताना कि हम इसको पंखे के नीचे क्यों रखते हैं? सुखाने से ये आपस में फिर चिपक देनी है, ये पानी में गुड़ते भी नहीं। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसको ठंडा कर लिया था तो बॉईल करने के दौरान ये पानी के अंदर पिघलेगी नहीं, नरम नहीं पड़ेंगी और टूटेंगी नहीं। तो हमने एक पैन में लिया है पानी और उसके अंदर डाल दिए हमने अपनी सारी सेल जो हमने हाथों से तोड़ी थी। अब हम इसको पानी के अंदर बॉईल करेंगे 10 मिनट के लिए। उससे ये नरम हो जाएंगी और अंदर से थोड़ी सी पक जाएंगी। इसको हमें बहुत हल्के हाथों से मिलाना है क्योंकि अभी भी सॉफ्ट तो ये है ही, जोर से चलाएंगे तो ये अभी भी इसमें टूटने का डर हल्का सा है। इसकी लिड कवर करके इसको पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि ये ज्यादा पक तो नहीं गई है। आप देख सकते हैं कि बॉईल होने के बाद ये हल्की सी फूल गई है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक पैन के अंदर लेंगे 4 से 5 चम्मच तेल। अब हम बनाएंगे अपनी सब्जी का तड़का। जैसे ही तेल गर्म होगा उसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा हमारा चटकने लगेगा इसके अंदर डाल देंगे हम चॉप्ड अनियन। मैंने यहाँ प्याज को बहुत ही बारीक बारीक काटा है, उससे हमारी सब्जी ग्रेवी काफी अच्छी बनती है।
इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज अच्छे से भुन जाए। इन्हें हमें तब तक भुनना है जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक को बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहें तो उसको ग्रेट कर लेंगे, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि ये राजस्थानी डिश है वो लोग इसके अंदर लाल मिर्च बहुत ज्यादा डालते हैं, पर मैंने थोड़ी कम डाली है। अब डाल रहे हैं थोड़े से चॉप्ड टमाटोज और 3 से 4 चॉप्ड ग्रीन चिली। इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे टमाटर प्याज अच्छे से पक जाए मसालों के साथ और इसका फ्लेवर अच्छा आए। अब डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक, इसको भी हम अपने मसाले में मिला लेंगे और डालेंगे इसके अंदर लगभग 3 चम्मच दही। दही डालने से जो ग्रेवी का फ्लेवर है काफी एनहांस हो जाता है और इसका टेस्ट सब्जी का काफी अच्छा आता है। और एक चीज का ध्यान रखें, जैसे ही आप इसमें दही डालेंगे आपको इसको लगातार चलाना पड़ेगा ताकि हमारी दही फट ना जाए या फिर उसकी कंसिस्टेंसी खराब ना हो जाए। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। मसाला अब हमारा पक चुका है जैसा कि आप देख सकते। अब हम डालेंगे अपने तड़के के अंदर 1 कप पानी। पानी हमें गुनगुना या तो गर्म लेना है, ठंडा पानी तड़के में डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम अपने स्पैचुला से तड़के को और पानी को जो हमने अभी डाला है अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारी ग्रेवी सेल की सब्जी के लिए बनके तैयार है। सेल की सब्जी मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और वहाँ पे सेव की सब्जी को सेल की सब्जी भी कहते हैं। अब हम अपने पैन की लिड लगाकर 4 से 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद हम इसके अंदर फिर से कड़छी चलाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी नीचे लग ना जाए या जल ना जाए। इसके अंदर ग्रेवी चलाएंगे तो आप अब देख पाएंगे कि हमारी सब्जी की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि पानी थोड़ा सा उड़ गया है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं अपनी सेल जो हमने पहले बॉईल की थी। अब इसको भी हम अपने मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ताकि हमारी सेल के अंदर भी हमारे मसाले के फ्लेवर्स अच्छे से घुल जाए और उसके अंदर भी एक अच्छा टेस्ट आ जाए। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट और पकाने के बाद हमारी सेल की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। मम्मी जी इसके अंदर अजवाइन क्यों डालते हैं? बेसन का यह सूट नहीं करता, इसमें थोड़ा अजमा ठीक रहा है। तो अजवाइन डालना सब्जी में एक टिप की तरह है जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। सेल की सब्जी हमारी बनके तैयार है, इसका रंग काफी अच्छा आया और ये देखने में ही इतनी स्वाद लग रही है। इसको रोटी परांठे या पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। माँ के हाथों ने तो जादू कर दिया। तो माँ के हाथों की सेल की सब्जी बनके तैयार है। वैसे तो इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर आप लोगों के लिए मैं इसको टेस्ट करके बता दी हूँ कि ये कैसी बनी है। कैसी लगी बेटा सब्जी? बहुत ही ऑथेंटिक, ट्रेडिशनल और गांव वाला स्वाद। जब भी घर में सब्जी ना हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो तो बेसन, प्याज और टमाटर से आप ये सब्जी जरूर बनाएं। और ये सब्जी कैसी बनी है अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।